हमारे साथ जस्टिस सतीश चंद्र जुड़े हुए हैं। सर, ये जो बात कही जा रही है कि राज्य सरकार पे आरोप लगते हैं जो चूक की बात आती है और फिर स्टेट खुद ही इसे एक कमिटी बनाकर इंक्वायरी कर लेती है, जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए जो विधान है, जो संविधान है, जो कानून है, क्या वो उनको अधिकार देता है? क्योंकि इस पर प्रश्न कोर्ट में भी उठाए गए कि उनको कोई अधिकार नहीं था। ये पूरा मामला जो है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का, वो सेंटर के अधीन है और उसी के तहत कानून है। सिक्योरिटी जो है वो गवर्न होती है आपकी ब्लू बुक से, ब्लू बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या उसमें स्टेप्स होंगे, लेकिन इसके पास जो एसपीजी है उसके पास मैन पावर नहीं है, तो इसलिए वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। वो सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं और देखते हैं, इतने उनके पास मैन पावर नहीं है कि वो पूरे रूट के ऊपर जो है अपने आदमी अपॉइंट कर सके। ये तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द सुपरविजन ऑफ द एसपीजी, तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना चाहिए ये। तो क्या ये सही तरीका नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट कहती कि आप एक कमेटी गठित करिए और जांच में हम सहयोग करेंगे, बजाय इसके कि अपनी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा के ये कह दें कि सेंटर की जांच पे हमें भरोसा नहीं है। इनके एडवोकेट जनरल ने कोर्ट ने कहा कि ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, हमें इन पर यकीन नहीं है, ये कहा गया। कमेटी तो उन्होंने अपनी बना करके अपने आप ही निपटाना कोशिश की, फिर सेंटर ने अपनी कमेटी बना दी, तो दोनों कमेटियों के बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर एक कमेटी बनानी पड़ी, अपनी इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी पड़ी और उन्होंने उसको ट्रीट किया एज अ रेयरेस्ट टू रेयर केस, क्योंकि नेवर बिफोर इट हैपेंड। या ठीक है सूद सर, ये जो चीज है, इनके सूद के पास मैं जाना चाहूंगा, ये जो अब चूंकि आपने पहले एस्टेब्लिश किया कि ये कॉन्स्पिरेसी है, कांग्रेस के लोग डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फिर वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इतनी बड़ी अगर कॉन्स्पिरेसी है तो इसका मोटिव क्या है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, कौन लोग हैं, और भारत के अंदर क्या ऐसी कॉन्स्पिरेसी को कोई भी सरकार, कोई भी अथॉरिटी डिनाय करने की पोजीशन में है क्या? देखिए, ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये थी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। आप देख लीजिएगा कांग्रेस का, कांग्रेस जब 2014 में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को मिली वहां पे 49 सीट्स, 2019 का हुआ तो 52 सीट मिली। आप कांग्रेस का हिसाब देखिएगा कि यहाँ पे अगर कोई इश्यू हो जाता है हमारा चाइना के साथ तो राहुल गांधी वो चले जाते हैं चाइनीज एम्बेसी, राहुल गांधी जाके चाइना से एग्रीमेंट करते हैं सीक्रेटली। यहाँ पे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं सिद्धू चले जाते हैं, सिद्धू जाते हैं इमरान खान की स्वीयरिंग इन सेरेमनी में, वहां जाके बाजवा से मिलते हैं, फिर पंजाब जाके गोपाल सिंह चावला से मिलते हैं जो खालिस्तानी लीडर हैं, फिर यहाँ पे टोटल ओपन इनविटेशन होते हैं और यहाँ पे पूरी इंटेलिजेंस। चलिए ठीक है, तो अभिनव से इस पे रिएक्शन लेंगे कि क्या इन सवालों से बच सकती है कांग्रेस, उनकी पार्टी। लेकिन इस बीच देखिए एक और खबर, एक और आरोप, अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया का कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप है। सीएम चन्नी और सिद्धू ने पीएम की हत्या की साजिश रची है, मजीठिया ने सीधा आरोप लगाया, बड़ा आरोप लगाया। पंजाब के पूर्व डीजीपी की भी हत्या की साजिश में थे ये शामिल, ये भी कहा उन्होंने, राजीव और इंदिरा गांधी की तरह हत्या कराने की साजिश थी ये मजीठिया का बयान। पीएम मोदी की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गए, विक्रम सिंह मजीठिया का बयान क्या कहा उन्होंने पहले सुन लेते हैं और फिर मोदी के पास चलेंगे इस पर और ज्यादा जानकारी के। देखो व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, राजीव गांधी नु जेड़े लोग मिलन गए सी, जेड़े गारलैंड कर रहे सी, उन्होंने नहीं मुड़के राजीव गांधी नु असैसिनेट करता। इंदिरा गांधी दा एक पास्ट है और उस ते अगर कुछ नहीं होया तो आप बहुत इतने चौड़े होके गल कर रहे हैं कि होया कुछ नहीं, तो जी ये तो एवें कहानी बना ली जी, तो जे कुछ हो जाता तो फिर पंजाबी किधर मूँह कर दे। जेड़े चन्नी साहब नॉनसेंसिकल गल्ला कर रहे हैं कि मैं पहला छाती च गोली खावा, तू तो छाती च प्लैनिंग कर रहा सी बैठे, छाती च गोली इन्होंने खानी किसी लिए, ये था सिद्धू ली ना खान, आपदे प्रधान ली ना खावे छाती च गोली, यही पूछ लियो, वो तो दूर दी गल है, प्रधानमंत्री ली खा लो। तो मजीठिया का चन्नी सरकार पर हमला, और मोहित मजीठिया ने जो बयान दिए हैं इतना तो तय है कि पहले से ही वो खार खाए बैठे हैं, नाराज हैं चन्नी सरकार से, लेकिन जो वो आरोप लगा रहे हैं ये बात तो तय है कि अकाली और खुद मजीठिया इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे और मुझे नहीं लगता कि ये मामला अब रुकने वाला है। देखिए चुनावी मुद्दा बिल्कुल ये बन चुका है, और आप देखिए अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं, उन्होंने आते ही पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और इस घटना को जोड़ दिया चन्नी सरकार की विफलता के साथ। और ये मैं आपको बता दूं, विक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स मामले में FIR दर्ज की गई, वो अग्रिम जमानत लेकर कल ही कई दिनों बाद वो सामने आए, इससे पहले वो अंडरग्राउंड थे। उन्होंने आते ही एक बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा कि
ये जो पूरी साजिश है ये पंजाब सरकार की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है, और उन्होंने आरोप लगा दिया सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उस वक्त जो कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए गए थे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, इन तीनों पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि अब ये बड़ा एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। और नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, वो सिर्फ हंसी मजाक वाले बयान देकर हल्के बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर इसकी भी आलोचना लगातार दूसरे दल कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।